ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما اللهم ربنا زدنا علما. अरबी जुबान के एतबार से जमा की एग्जाम पढ़ रहे थे, तो जमा की दो एग्जाम है, जमा सालिम और जमा मुकस्सर। और जमा सालिम वो जमा है जिसमें वाहद की तरतीब सेम रहती है और आहर में कुछ वर्ड ऐड करने से उसमें चेंजिंग आती है और वो जमा बन जाता है। तो इसकी भी दो किस्में थी, एक जमा मुजक्कर सालिम और एक जमा मोनस। जमा मुजक्कर सालिम को आज देखते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है और इसकी डेफिनेशन क्या है। जमा मुजक्कर सालिम वो जमा है जिसमें इस्म वाहद की शक्ल या हरूफ की तरतीब सलामत रहती है और इस्म वाहद के अल्फाज में कोई भी तब्दीली नहीं होती। मसलन मुस्लिमुन से मुस्लिमुना, वाहद की तरतीब मुस्लिमुन में क्या है, मीम सीन लाम मीम। और जमा में भी इसकी तरतीब क्या है, मीम सीन लाम मीम, लेकिन लास्ट पे सिर्फ दो न्यू वर्ड्स ऐड किए गए हैं, लेकिन शुरू में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही है और यहीं पे भी वही है। तो ये सबसे पहली जो इसकी जमा मुजक्कर सालिम की पहली डेफिनेशन की पहली शर्त क्या है कि वाहद की तरतीब सेम रहे, वाहद में चेंजिंग ना आए, दरमियान में कोई ऐड ना हो, इसकी तरतीब ना बदले। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, यानी कौन सा फार्मूला जो कि हर एक वर्ड पे लगाएंगे तो जमा मुजक्कर सालिम बन जाएगा। तो इसका फार्मूला ये है कि इसको बनाने के लिए इस्म वाहद के आहर में वाओ और जबर वाला नून लगाया जाता है तो वो जमा बन जाता है। तस्निया में क्या था, अलीफ और जेर वाला नून, ठीक है, याद रखिए। यहाँ पे जहाँ अपने नोट्स के ऊपर थोड़ा सा मेंशन कीजिएगा ताकि कि तस्निया में हम अलीफ और जेर वाला नून लगाते हैं जबकि जमा मुजक्कर सालिम के आखिर में वाओ साकिन और जबर वाला नून लगाया जाता है तो वो जमा बन जाएगा। अब इसकी मजीद कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मुमिनुन, एक मोमिन, इससे बना है मुमिनुना। ताइबुन, एक तोबा करने वाला से ताइबुना, बहुत से तोबा करने वाले अफराद। कुरान में आपको बहुत से वर्ड्स ऐसे मिलेंगे, मुमिनुना मुहसिनुना और कातिबुना आबिदुना, फिर इसी तरह मुस्लिमुन से मुस्लिमुना, हामिदुन, एक तारीफ करने वाला बंदा, हामिदुना, बहुत ज्यादा तारीफ करने वाले लोग। तो क्या पता चला कि जमा मुजक्कर सालिम और तस्निया में क्या डिफरेंस है कि जमा मुजक्कर सालिम। अब देखिए, अगर मोमिनून से तस्निया बनानी हो तो बनेगी मोमिनानी और जमा क्या बनेगी, मोमिनून। आप एक छोटा सा टेबल ड्रा करें, वहां पे लिखें वाहद और दरमियान में तस्निया और फिर जमा लिखें, तो फिर खुद उसको बनाने की कोशिश करें। ताइबुन से ताइबानी तस्निया हो गया, यानी दो तोबा करने वाले, और ताइबुना बहुत ज्यादा तोबा करने वाले। इसी तरह हामिदुन से एक तारीफ करने वाला बंदा और तस्निया बनाएंगे तो हामिदानी, दो दो तारीफ करने वाले बंदे, और अगर उसको जमा बनाएंगे तो बनेगा हामिदुना, बहुत से तारीफ करने वाले। अब क्या फायदा होगा ट्रांसलेशन करने में अरबी की, कि जब आपको तस्निया का लफ्ज कुरान में आएगा तो आपको पता होगा यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही है, और जब वाहद का आएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एक बंदे की बात हो रही है। और जैसे जैसे अदद चेंज होता है, कॉन्टेक्स्ट भी चेंज होता है और इंसान का कॉन्सेप्ट भी चेंज होता है, तो इसलिए इन चीजों का खास ख्याल रखना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं जो इस सन के हम एग्जाम पढ़ रहे हैं ना, अदद के अतबार से। फिर इसके बाद आ जाएगा जिन्स भी पढ़ लिया, तो ऐसे इराब के अतबार से भी, तो इसको जरा थोड़ा